राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं तीन प्रकार की चटनी बनाना बताऊंगी। सबसे पहले हम बनाएंगे दही कढ़ी, वाइट कढ़ी। उसके लिए हमें ये सब चीज़ें चाहिए। एक बाउल में दही लेंगे, उसमें मैदा डालेंगे। मैदा डालकर अच्छे से उसको मिक्स कर लेंगे, घोल लेंगे। दही को थोड़ा पतला ही रखेंगे। फिर एक कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें तेल डालेंगे। फिर राई, जीरा, करी पत्ता और सूखी हुई लाल मिर्च डालकर तड़कने देंगे थोड़ी देर। फिर जो घोल बना है उसको छौंक लगाएंगे, थोड़ी देर ढक देंगे। फिर उसको घोल के थोड़ा पानी मिलाकर ऐसा डालेंगे। नमक मिलाएंगे और अच्छे तरीके से चलाते हुए उसको पकाएंगे 10 मिनट तक। इसमें बॉयल आने देंगे, पकने देंगे। अब हमारी ये वाइट कढ़ी रेडी है। देखिए, अब हम खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाएंगे। उसके लिए ये सब सामान चाहिए। एक गंजी लेंगे, उसमें पानी गरम करेंगे। फिर उसमें इमली को डालेंगे गरम पानी में, गुड़ मिलाएंगे और थोड़ी देर तक इसको पकने देंगे। पाँच दस मिनट पकने के बाद इसको मिक्सी के जार में पीस लेंगे ठंडा होने के बाद, और ऐसे फिर छन्नी से छान लेंगे, जिससे उसका जो रेशा है वो सब निकल जाएगा और हमको पल्प मिल जाएगा इमली का। आप ये इमली के चटनी को अच्छे से छान कर पल्प हमको मिल जाएगा। आप इसे 10-15 दिनों के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं इमली की चटनी को बनाकर। यह हमारा पल्प है, उसमें नमक मिलाएंगे, लाल मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, काला नमक और थोड़ा सा शक्कर मिलाएंगे। अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे, घोल लेंगे। फिर थोड़ी देर तक इसको पकाएंगे बॉयल आते तक। थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए चटनी। फिर एक फ्राई पैन में तेल गरम करेंगे तड़के के लिए। उसमें सरसों डालेंगे, जीरा डालेंगे, थोड़ा सूखी लाल मिर्च और करी पत्ता डालकर इसको तड़का लगा देंगे। अब हमारी खट्टी मीठी इमली की चटनी तैयार है। देखिए, इस तरह से इसकी कंटेंसी होनी चाहिए। अब हम दही इमली की चटनी बनाएंगे। उसके लिए सामान चाहिए। एक बाउल में दही लेंगे, उसको अच्छे से फेंटेंगे। फिर उसमें हरी चटनी, धनिया मिर्ची की चटनी मिलाएंगे, नमक मिलाएंगे और 2-3 चम्मच ऐसे इमली की चटनी मिला लेंगे। सबको मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें। फिर मिक्स कर लेंगे। अब हमारी ये दही इमली की चटनी तैयार है। है ना आसान सब चटनी बनाना। देखिए, चटपटी चीज़ें बनाइए और इन चटनियों का मज़ा लीजिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। गुड फूड, गुड मूड।